हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सीजल 17। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट एनी कोचिंग क्लासेस और विदाउट एनी गाइडेंस हुआ है, तो कुछ तो सीक्रेट्स रहे होंगे। उसमें से एक सीक्रेट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, और यदि आपको सारे के सारे सीक्रेट जानना है तो आपको डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ कि किसी भी नंबर को 5 से कैसे डिवाइड करना है। जैसे मान लो 36 डिवाइडेड बाई 5, ये आपको करना है, तो 2 सेकेंड्स में हम इसको कैसे कर सकते हैं। कुछ ने आंसर है भाई 7.2। कैसे? 36 का करना डबल यानी 72 और एक पॉइंट इधर आना, आंसर आ गया 7.2। ठीक है ना। जैसे मान लो 48 डिवाइडेड बाय 5 करना है, मुझे आंसर आ गया 9.6। कैसे? 48 का डबल 96, एक पॉइंट इधर 9.6 आ गया ना। ठीक है, जैसे मान लो मुझे करना है भाई 33 डिवाइडेड बाय 5, आंसर कितना है 6.6। कैसे? 33 का डबल 66, एक पॉइंट इधर 6.6 है ना। मुझे मालूम है आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और वीडियो को पूरा देखो। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी कभी भी आधा अधूरा नहीं देखना है, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, और इसका अच्छे से नोट्स बनाने आपको अपने पूरे के पूरे वैदिक मैथमेटिक्स के सीरीज को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे मान लो 43 डिवाइडेड बाय 5, आंसर कितना भाई 8.6। कैसे? 43 का डबल कितना होता है 86, इधर पॉइंट कर लिया मैंने, 8.6 आंसर आ गया एकदम आसानी से, है ना। जैसे मान लो थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं, 92 डिवाइडेड बाय 5 कितना रहेगा आंसर 18.4। क्या डिफिकल्ट? डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता जिंदगी में। 92 का डबल कर लो 184, एक पॉइंट इधर 18.4, है ना, इतना आसान है। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा अभी, है ना। क्या करना है? सिर्फ डिवाइड बाय 5 करने के लिए क्या करना होता है, क्या डबल करना होता है उस नंबर को, और एक पॉइंट इधर आपको अंदर आना पड़ता है। जैसे मान लो यदि आपको करना है 112 डिवाइडेड बाय 5, आंसर कितना है 22.4। कैसे? 112 का डबल 224, एक पॉइंट इधर 22.4, है ना। जैसे 132 डिवाइडेड बाय यदि मुझे 5 करना है तो आंसर कितना है 26.4। कैसे? क्योंकि 132 का डबल कितना होता है 264, एक पॉइंट इधर 26.4, है ना। आप भी इतना फास्ट कर सकते हो, सिर्फ आपको मेथड समझना है। क्या करना है? इनटू टू करना है और पॉइंट इधर आना है। मुझे लगता है आपको अब ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। वैसे यदि चाहे तो एक दो क्वेश्चन और ले लो। 232 डिवाइडेड बाय यदि आपको 5 करना है तो आंसर कितना है 46.4। कैसे? 232 का डबल कितना होता है 464, एक पॉइंट मैंने इधर कर लिया। ठीक है, अभी हम लेते हैं होमवर्क। और डिवाइड बाय 5, जैसे कि आपने टाइम एंड वर्क स्पीड टाइम डिस्टेंस अपना देखा होगा, तो वहाँ पे हमने बहुत बार डिवाइड बाय 5 किया था, तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे अभी देख लेते हैं होमवर्क। हम मैं तुम्हें 4 होमवर्क देने वाला हूँ, और 4 की 4 होमवर्क का तुम्हें आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। पहला होमवर्क 23 डिवाइडेड बाय 5, सेकंड होमवर्क 72 डिवाइडेड बाय 5, थर्ड होमवर्क 113 डिवाइडेड बाय 5, और फोर्थ होमवर्क 234 जैसे मान लो डिवाइडेड बाय 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम आसानी से, मुझे गारंटी अब तक तो आपने इसके आंसर्स सॉल्व भी किए होंगे, है ना, इसके आंसर दिए होंगे। और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बिल्कुल देना है, उससे पता चलता है कि सच में कितने बच्चे जज्बा रखते हैं टॉपर बनने का। क्योंकि आप लोगों को पता है, मैं सिर्फ सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ाता, मैं टॉपर बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कोई भी बच्चा टॉपर बन सकता है। ठीक है, वो एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, मोर देन एवरेज हो, लोगों के नज़र में, मेरे नज़र में हर एक बच्चा ब्रिलियंट होता है। ठीक है, कोई भी बच्चा ऐसे बिलो एवरेज ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन लोगों की नज़र होती है। लेकिन मुझे जानता हूँ कोई भी बच्चा टॉपर बन सकता है। ठीक है, अभी हम करते हैं डिवाइड बाय 25। अभी हमने किया था डिवाइड बाय 5, है ना। जैसे 36 डिवाइड बाय 5 करने के लिए हमने क्या किया था, डबल किया और एक पॉइंट इधर कर दिया था, है ना, 7.2 यानी एक पॉइंट इधर आए, हम अंदर आए थे। अभी डिवाइड बाय 25 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो 36 डिवाइड बाय है यदि हमें 25 करना है, कुछ नहीं 36 इंटू 4 करना है। यहाँ पे इंटू 2 किया था ना, वैसे यहाँ पे इंटू 4। इंटू 4 क्या होता है? इंटू 4 होता है डबल का डबल, यानी 36 का डबल 72, 72 का डबल कितना होता है 144, यानी 144 आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक प्लेस से अंदर आ रहा था ना, यहाँ पे मुझे 2 प्लेस से अंदर आना है, इसलिए आंसर कितना हो गया 1.44, है ना, एकदम आसान। ठीक है, जैसे मान लो यदि मुझे करना है 48 डिवाइडेड बाई 25, आंसर कितना है मेरा 1.92, 1.92। क्या किया मैंने? 48 का डबल किया 96 का डबल किया 1.92, 2 पॉइंट मैंने इधर लाए। ठीक है, एकदम आसान है। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में भी आ गया होगा, और आपने लिख भी लिया होगा डिवाइड बाय 25 का भी, है ना। नोटबुक बहुत अच्छे से बनाना है आपको। ठीक है, जैसे मान लो 113 डिवाइड बाय 25 है, क्या रहेगा तुम्हारा आंसर 4.52। कैसे? 113 का इंटू 4 यानी 113 का डबल 226, 226 का डबल 4.52, और ये 4.52 और 2 पॉइंट्स हम अंदर आए, यानी आंसर है तुम्हारा 4.52। ठीक है,
एकदम आसान है। देखो 213 भी डिवाइड बाई 25 भी करना है तो आपको 8.5 तो तुम्हारा आंसर है, क्योंकि 213 इंटू 4 कितना होता है 852 होता है, और आंसर आ गया तुम्हारा 2.6 यानी 8.52। देखो मैं जितना फास्ट कर रहा हूँ ना उतना फास्ट आप कर सकते हो, ठीक है, आपने बिल्कुल वो काबिलियत है, ठीक है, बिल्कुल इसका प्रैक्टिस करना है आपको और आप बिल्कुल आंसर कर सकते हो, वो भी एकदम आसानी से। यानी आज हमने देख लिया डिवाइड बाय 5 और डिवाइड बाय 25। डिवाइड बाय 5 के मैंने 4 होमवर्क दिए थे, मैं अभी 2 और एक्स्ट्रा होमवर्क देता हूँ डिवाइड बाय 25 के, ठीक है। ये डिवाइड बाय 25 के होमवर्क के मैं जो अभी देने वाला हूँ 23 डिवाइडेड बाय, यदि तुम्हें 25 करना है इसका आंसर दे दो, देन तुम्हारा 132 डिवाइड बाय 25 इसका भी आंसर कर दो। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। मुझे गारंटी है आप बहुत ही आसानी से 2 सेकंड्स में इस क्वेश्चन के आंसर कर दोगे, ठीक है। आपको इसको अच्छे से समझना है, इसको प्रैक्टिस करना है और ये आपके लिए बहुत बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। यदि आपने हमारा जाके प्लेलिस्ट नहीं देखा होगा तो देख लो एक बार, वहाँ पे हमने मेडिवल इंडिया बहुत ही अच्छे से किया है, ज्योग्राफी बहुत ही अच्छे से चल रहा है, वहाँ पे हमने स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम एंड बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। वहाँ पे इंग्लिश का होकैब भी बहुत अच्छे से हो रहा है और वैदिक मैथमेटिक्स का तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है ही, और वहाँ पे बहुत ही बड़े लेवल का मोटिवेशन होता है और मैं कुछ टेक्निक्स कुछ सीक्रेट्स वहाँ पे शेयर करता हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देखो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यदि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहिए तो बिल्कुल प्लेलिस्ट जाके देखो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, इसके लिए लाइक कमेंट और शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।